नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है 1 फरवरी से रेलवे वाले बच्चों के लिए हमने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं भैया। चैप्टर वाइज ह्यूमन डिसीज वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, विटामिन वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। फिलहाल अभी हम जिस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र। सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र। आज की क्लास में मैंने आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। सभी क्वेश्चन आप सभी को पता है हम जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन लेते हैं। बेकायदा क्वेश्चन के नीचे एग्जाम का नाम लिखा जाता है। अब तक हम इस चैप्टर में 45 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। ये रहा आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 46। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 13/3/2021 को। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है। ये आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए रूमेन, ऑप्शन नंबर बी है भैया रेटिकुलम, ऑप्शन नंबर सी है अबोमेसम, ऑप्शन नंबर डी है ओमेसम। बताइए भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है समझाने की, बस सिंपली आपको याद रखना है कि जो खुर वाले जानवर होते हैं उनमें आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है। तो भैया उसमें आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा होगा ऑप्शन नंबर ए रूमेन। ठीक है भैया, और यहां से ज्यादा क्वेश्चन में नहीं आते हैं। जितना मैंने आपको पढ़ाया है उतना पढ़ लीजिए, उससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा। 99% संभावना है कि जो हमने पढ़ाया है वहीं से ही क्वेश्चन आएगा। कोई 1% ऐसा क्वेश्चन निकल जाता है जो भैया हमारे थोड़े सिलेबस से अलग आ जाता है। तो इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, बस इतना सा याद रखना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। स्क्रीन शॉट ले लीजिए भैया। चले अब क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। ओके भैया, देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 27/2/2021 को। अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव का आहार नाल का हिस्सा नहीं है। आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव के आहार नाल का हिस्सा नहीं है। ये आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए मलाशय, ऑप्शन नंबर बी है ग्रासनल, ऑप्शन नंबर सी है गर्सनी, ऑप्शन नंबर डी है श्वासनली। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 27/2/2021 को। गाइज, नाम से स्पष्ट हो रहा है भैया आहार नाल का हिस्सा कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्वासनली। ये हमारे आहार नाल का हिस्सा नहीं है। अब बात आती है कि आहार नाल क्या होता है, ये एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। हम बात कर रहे हैं आहार नाल के बारे में। इस आहार नाल को कहा जाता है एलिमेंट्री केनाल। आहार नाल वह पाइप है जिससे होकर आपका भोजन गुजरता है। आहार नाल वह पाइप है जिससे होकर आपका भोजन गुजरता है, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकता हूं जिससे होकर भोजन गुजरता है। वह पाइप जिससे होकर भोजन गुजरता है उस पाइप को कहा जाता है आहार नाल एलिमेंट्री केनाल। इसकी जो लंबाई होती है वो भैया लगभग में 9 मीटर होती है। फीट में पूछे तो बता देना 33 फीट होती है भैया, इतनी बात क्लियर है। इस आहार नाल की शुरुआत होती है भैया माउथ से, यानी कि आपके मुंह से, और मुंह के बाद में जो भोजन जाता है वो जाता है भैया गर्सनी में। गर्सनी भोजन और वायु का कॉमन पथ होता है भैया, भोजन वह वायु का कॉमन पथ होता है।
कॉमन पथ, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि भैया पाचन तंत्र व श्वसन तंत्र का जो उभयनिष्ठ मार्ग है यानी कि जो कॉमन पथ है वो भैया ग्रसनी होती है, और ग्रसनी के बाद में भोजन जाता है भैया ग्रास नाल में। ग्रास नाल को भोजन नली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भोजन नली। और भोजन नली के बाद में जो भोजन जाता है वो जाता है भैया आपके पेट में, और पेट के बाद में भोजन जाता है भैया छोटी आंत में, और छोटी आंत के भोजन जाता है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के बाद में भोजन जाता है एनस वाले भाग में, जिसे आप गुद्दा वाला भाग या फिर मल द्वार भी कहते हो, मल द्वार भी कहते हो, या फिर मलाशय भी कहते हो, या फिर मलाशय भी कहते हो। तो भैया इस आहार नाल की शुरुआत माउथ से हुई, और सबसे अंतिम भाग जो होता है वो इसका एनस, गुद्दा या मल द्वार या फिर मलाशय होता है। इतनी बात क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। सबसे पहले भोजन आपके मुंह में जाता है, मुंह में दांतों की सहायता से हम भोजन को चबाते हैं, लार में मिलाते हैं, है कि नहीं है? स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है, लार ये ग्रंथि होती है जो स्लाइवा का निर्माण करती है, जो लार का निर्माण करती है, और लार बहुत यूजफुल होती है ताकि आपका भोजन आसानी से आपके पेट तक पहुंच सके, चिकना युक्त भोजन बना देती है आप। और इस लार में कुछ एंजाइम भी होते हैं जैसे कि लाइसोजाइम एंजाइम और टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, जो भोजन के पाचन में सहायक भी होते हैं, इसलिए लार इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में मुंह के बाद में आपका जो भोजन जाता है वो गर्सनी में जाता है। गर्सनी आपके मुंह के थोड़ा सा अंदर की तरफ देखते हो आप, तो यह वह स्थान है जहां पर भैया भोजन और यह वायु का कॉमन पथ होता है, यानी कि इसी रास्ते से होकर भोजन जाता है और इसी रास्ते से होकर वायु जाती है। फर्क कितना है कि जब वायु जाती है तो वो श्वास नली में जाती है, और भोजन जाता है वो भोजन नली में जाता है। ये लेकिन भोजन और वायु का ये दोनों का कॉमन पथ होता है। इस ग्रसनी के बाद में भोजन ग्रास नाल में जाता है, ईसोफेगस में जाता है, आपकी भोजन नली में जाता है, फूड पाइप में जाता है, और भोजन नली जो होती है वो मुंह के खाने को आपके पेट तक पहुंचाने का काम करती है, यानी कि मुंह के में अंदर जो खाना है उसको पेट तक पहुंचाने का काम करती है। कौन? ये भोजन नली। इस भोजन नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। पेट के में प्रोटीन का पाचन होता है, आप सभी को पता है। पेट के बाद में भोजन छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। उसके बाद में छोटी आंत के इलियम वाले भाग में भोजन का जो पचा हुआ भोजन है उसका अवशोषण होता है। उसके बाद में भोजन बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत में पानी का अवशोषण किया जाता है, और उसके बाद में जो भोजन जाता है बचा हुआ भोजन जो अपशिष्ट पदार्थ है जो मल है वो भैया इस मल द्वार तक जाता है, इस एनस वाले भाग तक जाता है, इस मलाशय वाले भाग तक जाता है, इस गुद्दा वाले भाग तक जाता है, और फिर भैया शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये बेटा पूरा आपका आहार नाल है। ये जो पूरा पाइप है जिन जिन से होकर भोजन गुजरता है वो एलिमेंट्री कैनल कहलाता है, आहार नाल कहलाता है। इसकी लंबाई 9 मीटर होती है लगभग में, और इससे 33 फीट, अगर फीट में पूछे तो 33 फीट के आसपास के जो मान है वही आपको आंसर करके आने। इसकी शुरुआत आपसे क्वेश्चन पूछी जाती है कि आहार नाल की शुरुआत किससे होती है, तो मुंह से होती है, और इसका अंतिम भाग, अंतिम वाला भाग कौन सा है? तो एनस भाग है। तो भैया इसमें कोई श्वास नली आया क्या? नहीं आया। तो भैया आपसे यही क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है? तो भाई श्वास नली भैया मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है। इतनी बात क्लियर है? यह क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था 27/2/2021 को। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइज। अगर आपने पाचन तंत्र के इससे पहले के 46 क्वेश्चन नहीं देखे हैं, यानी कि आज की क्लास के पहले के 45 क्वेश्चन नहीं देखे हैं, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और विटामिन वाले चैप्टर के प्रीवियस के क्वेश्चन और ह्यूमन डिसीज वाले चैप्टर के प्रीवियस के क्वेश्चन नहीं किए हैं तो उनका भी आपको इसी ही बैच की क्लासों में, इसी बैच की जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे भैया, तो जाकर देख लेना। इतनी बात क्लियर है? इसका टाइम रहता है भैया रोज शाम 7 बजे, संडे को ऑफ रहता है, सोमवार से लेकर के शनिवार तक रोज क्लास ही आती है। अगर सोमवार से लेकर के शनिवार तक किसी दिन ऑफ रह जाता है तो भैया हमारी संडे को भी क्लास आती है इसी ही बैच की। इतनी बात क्लियर है? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चले भैया, ओके देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 48, और इस क्वेश्चन में मैं आपको अच्छी अच्छी जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी है लीवर, ऑप्शन नंबर सी है हाइपोथैलेमस, और ऑप्शन नंबर डी है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 21/1/2021 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा?
देखिए भैया, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मैं आपको, ध्यान से समझना, सारे का सारा ही झंझट समाप्त हो जाएगा। ग्रंथियों के बारे में पूछा गया है, तो सबसे पहले बात आती है कि ग्लैंड्स क्या होती है। भाई ये ग्रंथियाँ क्या है? भाई क्वेश्चन आता है कि ये ग्रंथियाँ क्या है, तो कुछ नहीं है भैया, ये हमारे शरीर के ऑर्गन होते हैं। जो ग्रंथियाँ होती है वो हमारे शरीर के अंग ही है, लेकिन फर्क क्या है फिर नॉर्मल अंगों में और इन ग्रंथियों में? क्योंकि भैया ये सिक्रेशन करती है, ये सिक्रेशन करती है, ये स्राव करती है। किसका स्राव करती है? तो भैया ये केमिकल कंपाउंड का स्राव करती है। केमिकल कंपाउंड यानी कि रासायनिक यौगिक का स्राव करती है। अब ये रासायनिक यौगिक क्या होता है? तो ये रासायनिक यौगिक कोई जूस हो सकता है। नंबर दो पर, इस जूस में एंजाइम पाए जाते हैं, तो ये एंजाइम हो सकता है, और बेटा हार्मोन हो सकता है। ध्यान से समझिए मैंने आपसे क्या कहा। मैंने आपको ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियों के बारे में बताया कि ग्रंथियां क्या है, तो मैंने ये कहा कि आपके शरीर के अंगों को ही ग्रंथियां कहा जाता है। फिर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जब हमारे शरीर के अंगों को ही ग्रंथियां कहा जाता है, तो नॉर्मल अंगों में और इन ग्रंथियों में अंतर क्या है? फर्क कितना है कि ये सिक्रेशन करती है, ये स्राव करती है। किसका? केमिकल कंपाउंड का, रासायनिक यौगिक का। अब ये केमिकल कंपाउंड क्या क्या हो सकता है? तो जूस, एंजाइम और हार्मोन हो सकता है। तो मानव शरीर का ऐसा कोई अंग या उत्तकों का समूह है जो रासायनिक यौगिक बनाए, और वो रासायनिक यौगिक क्या क्या हो सकता है? जूस, एंजाइम और हार्मोन हो सकता है। वही क्या? वही ग्रंथि है। और इन केमिकल कंपाउंडों के आधार पर इन ग्रंथियों को तीन भागों में बांटा गया है। जो जूस और जो एंजाइम बनाती है उन्हें कहा जाता है एग्जोक्राइन ग्लैंड। ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जोक्राइन ग्लैंड को कहा जाता है बहिःस्रावी ग्रंथि। और इन बहिःस्रावी ग्रंथियों के बारे में हम पढ़ते हैं भैया पाचन तंत्र वाले चैप्टर में। कौन कौन सी बहिःस्रावी ग्रंथि होती है? तो आपने सुन रखा होगा सलाइवरी ग्लैंड। यह सलाइवरी जो ग्लैंड है भैया, ये एक प्रकार की बहिःस्रावी ग्रंथि है। ये सलाइवा का निर्माण करती है। इन सलाइवा में जूस पाया जाता है, इस सलाइवा में एंजाइम पाया जाता है। सलाइवा एक प्रकार का जूस है। दूसरी होती है स्वीटिंग ग्लैंड, पसीना ग्रंथि, ऑयल ग्लैंड या सेबेसियस ग्लैंड। तीसरी होती है भैया लेक्राइमल ग्लैंड। ये जो लेक्राइमल ग्रंथि होती है, ये आंसू बनाने में सहायक होती है। एक होती है लीवर भी एक प्रकार की बहिःस्रावी ग्रंथि है। एक होती है पेंक्रियाज, ये पेंक्रियाज जो होती है भैया, ये बहिःस्रावी ग्रंथि भी है। अभी मैं आपको दूसरा प्रकार पढ़ाने वाला हूँ ग्रंथियों का, जिसमें हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि, तो वो अंतःस्रावी ग्रंथि में भी आती है। क्योंकि एक तीसरा और प्रकार होता है ग्रंथियों का, जिसे कहा जाता है मिश्रित ग्रंथि, तो ये जो पेंक्रियाज है ये मिश्रित ग्रंथि है। अभी आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। इसके अलावा मेमरी ग्लैंड, दूध बनाने वाली ग्रंथि, यह भी कौन सी है भैया? यह भी एक प्रकार की बहिःस्रावी ग्रंथि है। गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि, पढ़ते हो पेट में, यह भी एक प्रकार की बहिःस्रावी ग्रंथि है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ये भी एक प्रकार की बहिःस्रावी ग्रंथि है। तो ये जो ग्रंथियों के नाम मैंने आपको बताए हैं, ये सभी बहिःस्रावी ग्रंथि है। ये जूस और एंजाइम का निर्माण करती है बेटा। कौन कौन सी? लेक्राइमल ग्लैंड, स्वीटिंग ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पेंक्रियाज, मेमोरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इन सब चीजों के बारे में मैं आपको जो पढ़ाता हूँ, वो पढ़ाता हूँ एंडोक्राइन सिस्टम में, यानी कि अंतःस्रावी तंत्र वाले चैप्टर में। तो अगर आपने अंतःस्रावी तंत्र वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़ लीजिए। अब बेटा आपकी मैराथन क्लास आने वाली है। मेरे फोन में स्टोरेज कम है, इस वजह से मैं मैराथन क्लास डाल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मेरा जो
मानना है वो आपको अभी जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो ये चल रहा है कि मैं आपको सभी चैप्टरों की एक साथ मैराथन क्लास दूंगा। जैसे कि एक चैप्टर आज करवा दिया सप्ते में एक बार, तो सप्ते में एक मैराथन आया करेगी। अब होली के बाद में मैं जुगाड़ कर रहा हूँ, कहने का मतलब भाई जो स्टोरेज है वो कम है मेरे पास, तो स्टोरेज को ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा हूँ। या तो लैपटॉप लेके आना पड़ेगा या फिर कोई दूसरा फ़ोन लेके आना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा आपके लिए। इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इन सभी कामों में, इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करो अगर नए आए हो तो, और वीडियो को लाइक कर दिया करो, प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दिया करो। तो एग्जोक्राइन ग्लैंड समझ में आई आपको? मैंने कहा कि बहिस्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथि होती है जो इन केमिकल कंपाउंडों का निर्माण करती है, जूस का और एंजाइम का। ये जूस और एंजाइम भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, और ये सभी है जो जो मैंने अभी आपको नाम बताए ये सभी एक्जोक्राइन ग्लैंड है। इतनी बात क्लियर है? और ऐसी ग्रंथि जो सिर्फ हार्मोन का निर्माण करती है, मैंने कहा कि केमिकल कंपाउंडों के आधार पर ग्रंथियों को तीन भागों में बांटा गया। पहली है एक्जोक्राइन ग्लैंड जो जूस और एंजाइम बनाती है, दूसरी होती है भैया जो हार्मोन बनाती है उसे कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतः स्रावी ग्रंथि, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि बेटा हार्मोन का निर्माण करती है। अब बहुत सारे हार्मोन होते हैं भैया हमारे शरीर में, जैसे कि आपने नाम सुना होगा इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलेक्टिन हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, कोर्टिसोल हार्मोन, एल्डेस्टेरोन हार्मोन, बहुत सारे कोलिप्स हार्मोन जिसे आप पैराथायराइड हार्मोन भी कहते हो, केल्सिटोनिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, मिलेटोनिन हार्मोन, ये बहुत सारे हार्मोन होते हैं बेटा, एड्रिनलिन हार्मोन, नोर एड्रिनलिन हार्मोन, ये सभी जो हार्मोन है इन सभी हार्मोनों का निर्माण कौन करती है? आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड करती है, आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां करती है। और इन अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? इन अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या होती है 9। अब मैं आपको लिखवा देता हूं, लेकिन लिखवाऊं कहां पर? चलो लिखवाता हूं, कोशिश करते हैं। यहां पर मैं इसको मिटा दूं, आरआरबी एनटीपीसी ये जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है इसको मिटा देता हूँ। अब जो नाम लिखा रहा हूँ भैया, ये जो 9 नाम लिखवा रहा हूँ ये लिखवा रहा हूँ मैं आपको एंडोक्राइन ग्लैंड के यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के। तीन हमारे ब्रेन में होती है, एक होती है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, दूसरी होती है भैया पीनियल बॉडी ग्लैंड, पीनियल काय ग्रंथि, तीसरी होती है भैया पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये तीनों के तीनों ही हमारे ब्रेन में होती है, हमारे मस्तिष्क में होती है, ये हमारे मस्तिष्क में होती है। और देखिए जैसे कि आपने सुना होगा थायराइड ग्लैंड, लिख लेना भैया बहुत काम की चीज़ें, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पांचवी होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड, और ये जो ग्रंथि होती है ये होती है आपके थ्रोट में या फिर नेक में, गले में, गर्दन में। पांच ग्रंथि हो गई, 1 2 3 4 5। 6 नंबर पर आती है भैया थाइमस, थाइमस ये आपकी चेस्ट में होती है भैया। 7 नंबर पर आती है एड्रिनल, एड्रिनल ग्लैंड, ये जो एड्रिनल अधिवृक्क ग्रंथि होती है ये अपर किडनी पर होती है यानी कि किडनी के ऊपर होती है। उसके बाद में 8वीं आती है पेंक्रियाज, मैंने आपको बताया ना कि पेंक्रियाज अग्नाशय जो ग्रंथि है ये एक मिश्रित ग्रंथि है, इसे हम एक्जोक्राइन ग्लैंड में भी पढ़ते हैं और भैया एंडोक्राइन ग्लैंड में भी पढ़ते हैं। और 9 नंबर पर जो ग्रंथि होती है वो होती है गोनेड्स, लैंगिक जनन ग्रंथियां, बिलो इंटेस्टाइन आंतों के नीचे होती है। ये 9 ग्रंथि बेटा मैंने आपको लिखवा दी है जो कि है भैया एंडोक्राइन ग्लैंड्स अंतःस्रावी ग्रंथि। फिर मैंने आपसे कहा था कि इन केमिकल कंपाउंडों के आधार पर ग्रंथियों को तीन भागों में बांटा गया है, जो जूस और एंजाइम का निर्माण करती है वो एक्जोक्राइन ग्लैंड,
जो हार्मोन का निर्माण करती है वो होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। मैंने आपको एक्जोक्राइन ग्लैंड के नाम लिखवा दिए, एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम लिखवा दिए। और जो इन तीनों का निर्माण करती है वो होती है मिक्स्ड ग्लैंड। वो कौन सी होती है? वो होती है भैया मिक्स्ड ग्लैंड, जो इन तीनों का निर्माण करती है। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी है, तो पेंक्रियाज है भैया। कौन सी है? पेंक्रियाज है भैया, यानी कि अग्नाशय है। किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, पहले तो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके भैया, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब मैं मिटा देता हूं और यहां से आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन निकलते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो भैया यही क्वेश्चन निकलते हैं कि इनमें से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, इनमें से कौन सी एक बहिःस्रावी ग्रंथि है, इनमें से कौन सी एक मिश्रित ग्रंथि है। तो ये जो मैंने आपको नाम लिखवाए हैं इनमें से आपको पहचानना होगा, इसलिए इन सभी ग्रंथियों के नाम आपको याद होने चाहिए। इतनी बात क्लियर है? तो पहला कंडीशन तो यहाँ से ये बनती है। ओके भैया, और बात करते हैं कि भैया और यहाँ से कौन से क्वेश्चन बनते हैं जो आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया बहिःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बहिःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। इस प्रकार के बेटा आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया था भैया आरआरबी एनटीपीसी में, तो क्यों ना हम पूरे ही कॉन्सेप्ट को समाप्त कर दे भैया एक बार में ही, है कि नहीं है? ओके, तो सबसे पहले एक्जोक्राइन ग्लैंड के बारे में लिख लेते हैं। एक्जोक्राइन ग्लैंड, एक्जोक्राइन ग्लैंड क्या बनाती है बेटा? ये बनाती है भैया जूस और एंजाइम, और ये डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है इन ग्रंथियों को। क्यों कहा जाता है? तो भैया अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहले चैप्टर जाकर पढ़ लीजिए, क्योंकि अब सभी चीजें तो मैं एक साथ इस क्वेश्चन में करा नहीं सकता ना आपको, इसलिए आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। और इस चैप्टर की बहुत जल्द ही मैराथन क्लास भी आने वाली है, ठीक है? तो एक्जोक्राइन ग्लैंड में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि वो है भैया आपका लीवर, वो है लीवर, वो है भैया लीवर। सबसे छोटी ग्रंथि पूछे तो भाई सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो भाई सबसे छोटी ग्रंथि है भैया लेक्राइमल, लेक्राइमल ग्लैंड। ये सब मैं बहिःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बात कर रहा हूं, तो बहिःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है और सबसे छोटी ग्रंथि लेक्राइमल ग्लैंड है। ये लेक्राइमल ग्लैंड जो होती है यह आंसू बनाने में सहायक होती है, और जो लीवर होता है ये बाइल जूस का निर्माण करता है। अब बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की। एंडो जो क्राइन ग्लैंड है, यानी कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, उन अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है भैया? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो भैया थायराइड है। कौन सी है? थायराइड ग्लैंड है। और अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी कौन सी है अंतःस्रावी ग्रंथियों में, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, तो वो है भैया आपकी पीनियल बॉडी ग्लैंड। इतनी बात क्लियर है? और दूसरी सबसे छोटी पूछे किसमें? एंडोक्राइन ग्लैंड में दूसरी सबसे छोटी, तो दूसरी सबसे छोटी है भैया पिट्यूटरी ग्लैंड। अब आप में से जो बहुत सारे स्टूडेंट है वो भैया कमेंट करेंगे, अगर ये वीडियो देखते हैं तो वो कहेंगे कि भैया सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है वो तो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, आपने दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि कैसे बताई? भैया वास्तविकता में देखा जाए तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है वो पीनियल बॉडी ग्लैंड होती है,
और दूसरी सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है वो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे आप मास्टर ग्लैंड भी कहते हो। ध्यान से समझना मैं अब जो कह रहा हूँ वो। जब आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि या फिर अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो भैया वहां पर आंसर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। हाँ मानता हूँ एग्जामिनर आंसर इसी को ही मानता है, लेकिन कब मानता है, जब भैया ये पीनियल बॉडी ग्लैंड ऑप्शन में ना हो तब। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, और अगर ऑप्शन में पीनियल ग्लैंड हो, तो भैया आपको पीनियल बॉडी ग्लैंड यानी कि पीनियल का एक ग्रंथि ही राइट आंसर करके आना है, ये मत करके आना भैया। इतनी बात क्लियर है? जो मैं पढ़ा रहा हूं पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी चीज है। अगर आपको कहीं पर डाउट है तो कोई अच्छे से टीचर से जाकर पूछ लेना। अब बात आती है मिक्स्ड ग्लैंड की, यानी कि मिश्रित ग्रंथि की। तो भैया जो मिश्रित ग्रंथि होती है वो कौन सी है हमारे शरीर की, तो वो है भैया पेंक्रियाज। ये जो पेंक्रियाज है ये जूस भी बनाती है, एंजाइम भी बनाती है और हार्मोन भी बनाती है, इसलिए इस ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि एग्जोक्राइन जो ग्लैंड है वो जूस बनाती है और एंजाइम बनाती है, लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये हार्मोन बनाती है, और जो तीनों का ही निर्माण करे वो मिक्स्ड ग्लैंड होगी, वो मिश्रित ग्रंथि होगी। तो मिश्रित जो ग्रंथि होती है वो एक्जोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि और एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह ही व्यवहार करती है, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। अब ये तो बात आपको समझ में आ गई, लेकिन अगर अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो भैया लीवर करके आना। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, और मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो भैया पेंक्रियाज है। ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो ज्यादातर ऑप्शन में पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आता है, लेकिन वैसे देखा जाए तो पीनियल बॉडी ग्लैंड है। इतनी बात क्लियर है? तो आशा करता हूं ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए। अब इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए भैया, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लीवर। पिछले 15-20 मिनट में आपने जो कुछ सीखा या वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वास्तविकता में, भैया जब मैं आपको एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र वाले चैप्टर के जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब देखना भैया, ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया इस कॉन्सेप्ट से कितने सारे क्वेश्चन निकल कर आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आते हैं, और ये कॉन्सेप्ट मैंने खुद ने नहीं बनाया है भैया, यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप प्रोसीजर के क्वेश्चन निकाल कर देखोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं भैया। इतनी बात क्लियर है? आशा करता हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है, बताइए। ऑप्शन नंबर है थायराइड, ऑप्शन नंबर बी है यकृत, ऑप्शन नंबर सी है पलिया, ऑप्शन नंबर डी है अग्नाशय। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है RRBJEE में 14/12/2014 को, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यकृत। याद रखना, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग पूछे। मैंने क्या कहा कि मानव शरीर का आंतरिक कैसे लिखते हैं भैया, आंतरिक, मानव शरीर का आंतरिक सबसे बड़ा अंग पूछे, सबसे बड़ा अंग पूछे, तो क्या करके आओगे, लीवर। लेकिन अगर आपसे बाहरी सबसे बड़ा अंग पूछे, बाहरी सबसे बड़ा अंग पूछे, तो क्या करके आओगे, इसके। ये दो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपसे बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न। तो मानव शरीर का आंतरिक सबसे बड़ा अंग कौन सा है, लीवर है, और बाहरी आपकी स्किन है। तो क्वेश्चन पूछा है कि मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है, अरे भैया यकृत के सामने कोई बोल सकता है क्या, लीवर के सामने कोई बोल सकता है क्या, नहीं बोल सकता। सुना है ना आपने वो डायलॉग, क्या एलविस भाई के सामने कोई बोल सकता है क्या,
वो वाली बात है। यहाँ पर यकृत के सामने कोई बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता भैया, नहीं बोल सकता, क्योंकि ये मानव शरीर का आंतरिक सबसे बड़ा अंग है। तो थायराइड, यकृत, पलिया और अग्नाशय यहाँ पर स्किन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। आरआरबी जेई में पूछा गया है 14/12/2014 को। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चले क्या? ओके, देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी जेई में 23/5/2019 को। यकृत, स्किन, थायराइड और आमाशय, आपको बताना है भैया इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।